Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel. Today's video is based on the questions related to English literature which were asked in PGT online female exam 2018. Is video mein main questions ke correct answers dungi with explanation. So let's start with the session. So first question based on English literature asked in PGT online female exam is, which one of the following plays by Shakespeare make use of a framing structure called induction? Choices are Much Ado About Nothing, The Twelfth Night, The Taming of the Shrew, Merry Wives of Windsor. Friends, The Taming of Shrew is known for the framing structure called induction. शेक्सपियर के सभी प्ले में से सिर्फ एक ही प्ले में इंडक्शन टेक्निक यूज हुई है, दैट इज द टेमिंग ऑफ श्रू. इंडक्शन टेक्निक इज बेसिकली प्ले से पहले लिखी जाती है. ये बेसिकली या तो प्ले को समराइज कर सकती है, या प्ले को एक्सप्लेन कर सकती है, या प्ले से हटकर कुछ अलग टेक्स्ट हो सकता है. और इस टेमिंग ऑफ श्रू में विलियम शेक्सपियर ने प्ले विद इन अ प्ले टेक्निक का यूज किया है. ऑल द फाइव एक्ट्स इन द प्ले आर विद इन अ प्ले. इसके अंदर जो प्ले शुरू होता है वो एक ड्रंक बेगर से शुरू होता है. उसका नाम होता है क्रिस्टोफर स्लाई. वो बार में आता है और बार में उसको होस्टेस द्वारा भगा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. और जब वो बाहर निकल के एक ये ड्रंकर्ड बेगर सो रहा होता है तो एक वेल्दी लॉर्ड वहां से गुजर रहा होता है और वो वेल्दी लॉर्ड उस पर प्रैंक प्ले करने की कोशिश करता है, उसको फुलिश बनाने की कोशिश करता है. तो वो सोते हुए ही उसको अपने चैम्बर में, अपने महल में ले जाता है और वहां पर उसको बेवकूफ बनाता है कि डेट यू आर लॉर्ड बट आप भूल गए हो कि तुम लॉर्ड ही हो. और इतना कहते ही मेन प्ले शुरू हो जाता है. सो दिस इज इस द टेमिंग ऑफ श्रू में प्ले विद इन अ प्ले टेक्निक एज इंडक्शन टेक्निक यूज की गई है, एज इंडक्शन मैथड यूज की गई है. सो द टेमिंग ऑफ द श्रू बाय शेक्सपियर हैज यूज्ड फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट नेम्स द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. We decay like corpses in the charnel, the creative spirit of Adonis like a star beckons from the abode where the eternal are. Answer यहीं पर ही मिल रहा है. This is by Shelley Adonis. Shelley की Adonis में ये lines आई हैं, extract आया है poem का. Choices are Milton Lycidas, Tennyson In Memoriam, Shelley Adonis and Arnold Thyrsis. तो करेक्ट आंसर इज शैली एडोनाइस. इसके अंदर शैली ने कीट्स की एलिगी लिखी है एडोनाइस में और उन्होंने कहा है कि दिस एडोनाइस, दिस कीट्स की डेथ नहीं हुई है बिकॉज ही इज अ क्रिएटिव स्पिरिट, ही इज शाइनिंग लाइक अ स्टार, बट हमारी डेथ हुई है. सो दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम शैली एडोनाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dr. Johnson made this observation about the play of Shakespeare to waste criticism on unresisting imbecility upon faults too evident for detection and too gross for aggravations. Choices are Macbeth, The Twelfth Night, Hamlet and Cymbeline. Cymbeline is the correct answer. Dr. Johnson ne Cymbeline ko ek problem play kaha hai. और ऐसा प्ले कहा है जो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा, ऐसा प्ले जिसमें इतनी सारी कमियां हैं, इतने सारे फॉल्ट्स हैं कि वो पॉइंट आउट नहीं किए जा सकते. दे आर एविडेंट, वो साफ दिख रहे हैं और उनको ठीक भी नहीं किया जा सकता. इतने सारे हैं कि उनको ठीक भी नहीं किया जा सकता. सो सिम्बलिन के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने ये कहा है, अनरेजिस्टिंग इम्बेसिलिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेज. अनरेजिस्टिंग इम्बेसिबिलिटी ये सिंबल इनके लिए कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्टरेन एंड ए कपलेट, सेवन कपलेट्स, एन ऑक्टेव एंड सेक्सटेट एंड
indivisible 14 line unit. So the answer is 3 quatrain and a couplet. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इसकी राइम स्कीम थी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, ये शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम है. और थ्री क्वाड्रेन ए बी ए बी फर्स्ट क्वाड्रेन सी डी सेकेंड क्वाड्रेन ई एफ थर्ड क्वाड्रेन, थ्री क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय अ कपलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट एम्प्लॉय अ कोरस और अ कैरेक्टर प्लेइंग अ रोल सिमिलर टू दैट ऑफ कोरस. सभी प्लेज में कोरस यूज हुई है, बट मैकबेथ में कोरस का यूज नहीं हुआ है. पेरिकल्स, मैकबेथ, हेनरी फाइव, द विंटर्स टेल, इन सब में ही कोरस का यूज हुआ है. जबकि मैकबेथ में कोरस का प्ले थ्री विचेस कर रही है. थ्री विचेस जब मैकबेथ और बॉन्को को रोकती हैं और वो प्रेडिक्शन देती हैं और उनके बारे में बताती हैं, सो वी गेट टू नो अबाउट द प्ले. हमें प्ले के बारे में कुछ पता लगता है. सो कोरस का रोल विचेस ने प्ले किया है और कोरस इसमें एज सच कोई भी करेक्टर नहीं है. सो मैकबेथ इज द करेक्ट आंसर. थायरस इज अ मोनोडी, मोनोडी इज एलिगी, इज द एलेगाइक पोयम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द आर्नोल्ड्स फाइनेस्ट पोयम. थायरस इज अ ट्रेडिशनल ग्रीक नेम ऑफ द शेफर्ड पोएट. सी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा गया. The question can be asked ki Thyrsus by Matthew Arnold is elegy on. This can be asked, but thoda sa ghuma phira ke question diya gaya hai. So answer is Arthur Hugh Clow. Thyrsus elegy hai Arthur Hugh Clow ke bare mein. Aur baki options thi Alfred Tennyson, William Wordsworth, P.B. Shelley. So the correct answer is Arthur Hugh Clow. Identify what Sidney did not say about poetry or on history. Choices हैं, poetry can reward virtue and punish vice or evil. History rejects life where sinner can prosper. Poetry uses examples like historians and percepts as philosopher too. Poetry can portray the ideals, history cannot as it is bound by truth and reality. All these options are correct, but the incorrect option that Sidney did not say about poetry or history is poetry liberates itself through reality. History is constrained by reality. So this was the quote which was not said by Sir Philip Sidney. Next question is, the famous novel by Sir Walter Scott has Elizabeth I as a character. Sir Walter Scott historical novelist थे और उनकी जो novel जिसमें Elizabeth I as a character थी, that was Kenilworth. और इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है. इट इज सेंटर्ड अराउंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ द काउंटेस ऑफ लाइसेस्टर एंड द एम्बिशन ऑफ हर हस्बैंड शेयरिंग द क्राउन ऑफ हिज सोवरेन एलिजाबेथ वन. सो द करेक्ट आंसर इज केनिलवर्थ. केनिलवर्थ का फुल टाइटल है द प्रिंसली प्लेजर एट द कोर्ट ऑफ केनिलवर्थ. बाकी चॉइसेस हैं इवानहो, रॉब रॉय, वेवरली, दीज आर इनकरेक्ट वन एंड द केनिलवर्थ इज द correct option in which Elizabeth I is portrayed as one of the characters. Next is comedy of humors used the medieval and renaissance medical theory that the human body held a balance of four liquids when properly balanced. These humors were thought to give the individual a healthy mind in a healthy body. The option list in the four humors but one of them is incorrect. Again ye bada ghuma phira ke question diya gaya hai. सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में फोर लिक्विड्स कौन कौन से हैं. सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें है सैंग्विन. चॉइसेस हैं कॉलर, ब्लड, फ्लेग्म एंड सैंग्विन. सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज सैंग्विन. अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन फोर लिक्विड्स आर कॉलर, ब्लड, फ्लेम एंड मेलेंकली. सो सैंग्विन इज इनकरेक्ट ऑप्शन. Gothic novels are the tales of mystery and horror. They rely heavily on dash. Identify the wrongly attributed feature. So, Gothic novel mein an innocent and young heroine normally a governess hoti hai. This is true. A supernatural exotic environment hota hai. This is again true. The presence of devil or a ghost. This is true. But
गोथिक नॉवल की जो करेक्टरिस्टिक नहीं है वो है अ नॉन कोलिनियर प्लॉट नरेटेड थ्रू लेटर्स. दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एपिस्टोलेटरी नॉवल. सो द अ नॉन कोलिनियर प्लॉट नरेटेड थ्रू लेटर्स इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गोथिक नॉवल. इट इज रॉन्गली एट्रीब्यूटेड फीचर. दिस इज द करेक्ट चॉइस. Next question is, the romantic period which ran between the publication of lyrical ballad and the passing of reform bill emphasized the following mention in the options. One of the options is not related to the ideals of the romantic period. Identify it. Again, फिर question घुमा फिर आके दिया गया है. इसमें हम ये पूछ सकते थे which is not the characteristic of romantic period. So which is not related to romantic period. तो हम इनकी choices देखते हैं. An exaltation of nature seen symbolically. This is the characteristic of romantic period. Intense focus on human subjectivity. This is again important characteristic of romantic period. Focus on childhood and spontaneity. This is characteristic of romantic period. जो करेक्टरिस्टिक नहीं है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव रैशनलिज्म. रोमांटिसिज्म वॉज अगेंस्ट रैशनलिज्म. सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द आइडियल्स ऑफ रोमांटिक पीरियड. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्स. डज नॉट डिस्क्राइब. चॉइसेस देखते हैं. अ ब्लैंक वर्स यूज अनराइम्ड फाइव स्ट्रेस लाइंस दैट इज इयाम्बिक पेंटामीटर. दिस इज करेक्ट. अनराइम्ड लाइंस होती हैं और जो इयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं दिस इज ब्लैंक वर्स. करेक्ट ऑप्शन. अ ब्लैंक वर्स इज क्लोजर टू द राइम ऑफ नॉर्मल एवरीडे इंग्लिश स्पीच. अगेन दिस इज करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ब्लैंक वर्स इज वेरी क्लोज टू एवरीडे इंग्लिश स्पीच क्योंकि ये अनराइम्ड होती है. द ब्लैंक वर्स डिड नॉट डिसअपीयर and can be found in later schools of poetry including T.S. Eliot. This is again correct because most of the modern poetry are written in blank verse. Next is, a blank verse does not suit the high seriousness of epics such as Paradise Lost. This is incorrect because in Paradise Lost also blank verse is used. So this is incorrect because इसमें लिखा है कि Paradise Lost जैसी high seriousness poem में blank verse का ब्लैंक वर्स को यूज नहीं किया जा सकता जबकि ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन इनवोक द गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलंकली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज मिल्टन की ट्विन पोएम्स हैं एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो. और एल एलिग्रो में एक हैप्पी चीयरफुल पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है और इल पेंसरोसो में मेलेंकलिक पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है. और एल एलिग्रो में गॉडेस ऑफ मर्थ को इन्वोक किया गया है एंड इल पेंसरो में गॉडेस ऑफ मेलेंकली को इन्वोक किया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द ट्रेजिक हीरो ऑफ शेक्सपियर एग्जाम्पलीफाई अ एशिलियन नोशन ऑफ नॉलेज थ्रू सफरिंग रिडेम्पशन. शेक्सपियर का एक प्ले था किंग लियर जिसमें लियर अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखता है पहचानता है जानता है कि ही वॉज रॉन्ग जब उसने अपनी यंगेस्ट डॉटर को गलत समझा. तो वो अपने ही सफरिंग से रिडेम्पशन से ही कम टू नो द ट्रूथ. सो दिस इज लियर इन किंग लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन एंड सेइंग ऑफ द फेमस बिकम पॉपुलर इन 17th सेंचुरी. दिस मटीरियल इज स्पेशली यूजफुल फॉर बायोग्राफर्स एंड कैन बी अ फॉर्म ऑफ लिटररी बायोग्राफी इटसेल्फ. वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज जेम्स बोसवेल बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन. जेम्स बोसवेल बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन इज नॉट मेयरली अ बायोग्राफी बल्कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनेक्डॉट्स और उन आपस की डे टू डे कन्वर्सेशन को भी ऐड किया गया है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी है जेम्स बोसवेल की. उन्होंने न्यू जनर को एक तरह से जन्म दिया था जिसको हम कह सकते हैं टेबल टॉक में. मतलब कि उनके एक पर्सनल रिलेशन को भी इस बायोग्राफी में शो किया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स बोसवेल बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन.
फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू, बाय.